अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आज ईद के लिए मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है आप ब्लीच बनाने का तरीका। सैलून स्टाइल की ब्लीच आप घर में भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब ईद आने वाली है और सबको जो है वो अपना फेस जो है अच्छा करना होता है, तो ब्लीच तो मस्ट ही है। और फेशियल के साथ भी ब्लीच होती है और फेशियल के बगैर भी कुछ लोग सिर्फ सिंपल ब्लीच कर लेते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा एक सूथिंग लोशन, जो कि मेरे पास यहाँ पर है, सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन, ठीक है। सूथिंग लोशन आप लोगों को क्यों चाहिए होगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप लोग ब्लीच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फेस पर लगाएंगे ये सूथिंग लोशन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपकी जो है वो स्किन पे रैशेस बनने नहीं देगा, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। तो इससे आपको आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगी। और अगर आपको बहुत इचिंग होगी, अगर मतलब किसी की ब्लीच जो है वो रिएक्ट भी कर जाती है किसी के फेस पे, तो सूथिंग लोशन आपको उससे बचाएगा, ठीक है। मतलब आपके फेस पे रिएक्शन होने नहीं देगा। तो जब भी आप ब्लीच स्टार्ट करें सबसे पहले, तो आप उस पर पहले अपने फेस पे सूथिंग लोशन लगा लें, उसके बाद अपना जो आप ब्लीच बनाएंगे वो स्टार्ट करिएगा। तो हम ब्लीच बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो है मेरे पास, ये इसमें इस बॉटल में है और ये इस उसमें है, ये है क्यूने की ब्लीच है, ठीक है। इसके पास जो है मैं जहाँ से लेती हूँ सामान, वहाँ पर जो है वो इसकी बड़ी थी, मतलब बड़ी बॉटल में था और मुझे छोटा भी नहीं चाहिए था और ना ही बहुत बड़ी चाहिए थी, तो मैंने इस तरह की बॉटल में इसे डलवा ली थी और उसका पाउडर जो था वो इसमें डलवा लिया था। लेकिन ये है क्यूने की, ठीक है। तो आप लोग क्यूने की ले सकते हैं, वैसे वैला की भी होती है और भी बहुत सारी कंपनीज़ की भी होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल क्यूने की यूज़ कर रही हूँ, ये भी इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं इसको डालती हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर एक स्पून जो है इसका, जो लिक्विड होता है इसका ब्लॉन्डर, वो ले लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ इसमें जो है वो इसका पाउडर, जो ब्लीच का पाउडर होता है वो है इसके अंदर, वो मैं डालती हूँ इसके अंदर। पाउडर कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ पाउडर है। ये मैं इसके अंदर ऐड करने से पहले मैं इसके अंदर शाइनर ऐड करना चाहूँगी, ठीक है। वो इसलिए इसका जो लिक्विड पार्ट है ना इसका, ये आपको अपने फेस के लिहाज से लेना होगा। अगर आप इसका ये इतना ले रहे हैं और इसके अंदर फिर शाइनर भी ऐड करेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। शाइनर भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट टच का ही है ये भी, और ये शाइनर भी बहुत अच्छा है। अब शाइनर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे स्किन पे ये थोड़ा सा शाइन आ जाए, इसलिए हम शाइनर यूज़ कर रहे हैं। बस मैंने इतना इसके अंदर 2-3 पंप लेके इसके अंदर शाइनर ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह मैंने शाइनर ऐड कर दिया, एक फेस के लिए ये काफ़ी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा फेस पे लगानी है या और ज़्यादा इस पर कहीं आपको हाथ पैरों पर या कहीं लगानी है, तो आप इसको ले लें, ठीक है। और पाउडर मैं इसके अंदर कम लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करती। तो बस इतना इसके अंदर मैंने पाउडर लिया है, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे मिक्स। अब आपको चाहिए इसके साथ ब्लीच का ब्रश, जो कि ये रखा हुआ। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिख रहा है ये। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, देखें आप। अब ये थोड़ा सा, मतलब ये इतना इस तरह से है, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर शाइनर भी ऐड करा है। थोड़ा सा ये, मतलब बहुत गाढ़ी ब्लीच नहीं बनेगी लेकिन बहुत लिक्विड भी नहीं बनेगी। तो इसके अंदर शाइनर ऐड करेंगे तो ये इस तरीके की बनेगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर शाइनर ऐड ना करें, लेकिन शाइनर जो है अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपकी ब्लीच को और ज़्यादा अच्छा बना देगी। ये और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं सैलून में, जैसे कि जो हमारा खुश्क दूध होता है, मतलब जो नीड और एवरीडे वगैरह होता है, वो भी इसके अंदर ऐड होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूँगी क्योंकि वो मेरी स्किन पे सूट नहीं करता। अगर आप लोग की स्किन पे वो सूट करते हैं तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। कोई वाइटनिंग पाउडर हो आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़्यादातर सैलून में यूज़ होती है वो इस तरह की सूथिंग लोशन लगा के, और आपको शाइनर और जो ब्लीच की दोनों चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर मिला के, और आप लोगों को अपनी ब्लीच जो है वो आपकी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ब्लीच भी रेडी हो गई है। मैं आपको अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट, ठीक है। ये अपने हैंड पे ब्लीच लगा ली। अब मैं इसको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स जो है मैं इसका सूखने का वेट करूँगी। जब मुझे लगेगा कि ड्राई हो गई है, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। आप लोग फेस पे लगाएंगे तो वो भी इसी तरीके से आप लोग लगाएंगे फेस पे, और फिर 20 मिनट्स बाद आप लोग उसको हटा देंगे, ठीक है। और जो हमारे चीक्स होते हैं उस पर से आप इसको 5 मिनट्स बाद हटा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा उस तरह का होता है, मतलब हमारी
स्किन बर्न करने का वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप फेस से जो है जो आपके चीक्स होते हैं उससे 5 मिनट्स बाद हटा दिएगा और बाकी जो है वो हम 20 मिनट्स बाद हटाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करती हूँ, फिर मैं आप लोग को इसका रिजल्ट बताती हूँ। अगर आप लोग फेस पे ही लगाएंगे तो फेस पे जो है वो रिमूव करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ। आप लोग फेस पे लगाएंगे तो फेस पे पहले आप इसको ऐसा मसाज करेंगे, मतलब थोड़ा सा जो ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना, इसको थोड़ा अपना पानी जो है वो पानी लेके थोड़ा सा और अपना हाथ उसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसके अंदर मसाज करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो आपको हटाने में इसको आसानी हो। थोड़ा सा मसाज करके फिर आप इसको हटाएंगे। मैं भी ऐसे करती हूँ, फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो अब हम इसे अच्छे से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने से पहले हम इसका मसाज करेंगे। अब देखिए मैं सर्कुलर मोशन में इसका मसाज कर रही हूँ। अगर आप इसको फेस पे करेंगे तो आपको ऐसे ही इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से ब्लीच का मसाज करना है, और जहाँ जहाँ से इसको ड्राई हो गई वहाँ आप इसको वेट करके अपना पानी लेके और इसको अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिएगा इसका। उसके बाद आप इसको किसी भी स्पंज से या तो कोई भी आप मेकअप वाइप्स हों आपके पास, ये जो टिश्यू वाइप्स होती हैं वो हों आपके पास, तो आप इसको रिमूव कर लीजिएगा। पहले आप इसका अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ से रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब इसको रिमूव कर लें तो आप इसको ख़ुद आप देखेंगे कि आपका फेस पे आपको फ़र्क दिखेगा। और मैं जैसे कि मेरा यहाँ पर हैंड में वाज़े फ़र्क दिख रहा था, मुझे कैमरे में इतना फोकस नहीं हो रहा जितना रियल में जो है वो इसका फ़र्क दिख रहा था। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी। और ब्लीच अब अच्छे से रिमूव कर लिया करें, क्योंकि फिर उसके बाद हमें आगे अपना फेशियल करना होता है, तो उसके कोई भी हमारा पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर नहीं रहे हमारे फेस के ऊपर। तो यहाँ पर बस मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। आप मेरा हाथ देखें कितना साफ़ हो गया। अब मेरा आप ऊपर वाला पार्ट देखें, यहाँ पर बाल हैं तो ऊपर वाला पार्ट देखें और नीचे वाला, ये इतना साफ़ हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये था इसका रिज़ल्ट। आपका हाथ जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और मेरा दूसरा हाथ अगर आप देखें तो हाथ जो है वो मेरा ऐसा है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये इतना साफ नहीं है। और ये वाला हाथ जो है वो देखें, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। ठीक है, तो यही है ब्लीच करने का तरीका। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ये थे वो सॉफ्ट टच के सूथिंग लोशन और ये शाइनर, ये आप लोग ले लीजिएगा अगर आप लोग ब्लीच करें तो, क्योंकि ज़्यादा ब्लीच में ही और फेशियल में ही काम आएंगे। उसके अलावा ये था मेरे पास क्यूने की ब्लीच थी मेरे पास। आप लोग कोई सी भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छी लगे, और इस तरह का स्पंज लेके आप लोग उससे हटा सकते हैं या तो आप लोग वाइप से हटा लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।